हाय, डीपीवी टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग दो ब्लूटूथ मॉड्यूल को कैसे मास्टर स्लेव कनेक्शन करके पेयर कर सकते हैं वो सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, बोर्ड्स, मॉड्यूल्स, सेंसर्स आप www.dpvtechnology.com से बेस्ट प्राइस में खरीद सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले एक ब्लूटूथ मॉड्यूल को मास्टर की तरह कॉन्फ़िगरेशन करना होगा और दूसरा को स्लेव की तरह कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। तो ये दोनों को हम लोग एटी कमांड के जरिए, मतलब अटेंशन कमांड के जरिए, एक को मास्टर एक को स्लेव बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं उसके लिए क्या करना होगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्लेब का कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। तो उसके लिए आप किसी एक ब्लूटूथ मॉड्यूल को ले लीजिए। तो यहाँ पे कनेक्शन डायग्राम दिया हुआ है, आप देख लीजिए कि यहाँ पे जो RX पिन है, RX पिन को एक वोल्टेज डिवाइडर के जरिए RX पिन ऑफ द Arduino कनेक्ट करना होगा। तो उसके बाद TX पिन को TX पिन के साथ कनेक्ट करना होगा Arduino का। तो इन जनरल केस जब हम ये ब्लूटूथ मॉड्यूल को यूज़ करते हैं तो उसी टाइम में RX पिन को हम लोग TX में कनेक्ट करते हैं और TX को RX के साथ कनेक्ट करते हैं। लेकिन पेयर करने के लिए, मास्टर स्लेव यूज़ करने के लिए, तो आपको ये RX को RX में ही कनेक्ट करना होगा और TX को TX में ही कनेक्ट करना होगा। उसके बाद जो GND पिन है, जो ग्राउंड पिन है, ये ग्राउंड पिन को Arduino का किसी एक GND पिन में कनेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे तीन GND पिन है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो है, तो एक किसी एक में आप कनेक्ट कर लीजिए, हो जाएगा। उसके बाद जो ये VCC है मॉड्यूल का, ये VCC को Arduino का 5V पिन में कनेक्ट कर लीजिए, ये Arduino का 5V में कनेक्ट हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोगों को ये इनेबल पिन EN पिन को भी यूज़ करना होगा, ये EN पिन को Arduino का 5V पिन में कनेक्ट कर लीजिए। तो इसके बाद हम लोगों को कमांड भेजना होगा Arduino का IDE के जरिए। यहाँ पे हम लोगों का ये सर्किट कनेक्शन डायग्राम है। यहाँ पे हम लोग जो सर्किट डायग्राम में जो 1K और 2K रजिस्टर यूज़ किया था वोल्टेज डिवाइडर के लिए, वो रजिस्टर हम लोग यूज़ नहीं कर रहा हूँ। जो RX, यहाँ RX से RX कनेक्ट करने के लिए जो रजिस्टर यूज़ किया था, तो ये यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग ये थोड़ा टाइम के लिए ही यूज़ करूँगा। अगर ये थोड़े टाइम के लिए आप यूज़ करेंगे तो ये रजिस्टर्स नहीं लगाने से भी ये काम करते हैं। अभी आप Arduino सॉफ्टवेयर को खोल लीजिए, Arduino IDE सॉफ्टवेयर को। तो उसके बाद आप यहाँ पे फाइल में जाइए और ये न्यू जो है ना, न्यू में क्लिक कर दीजिए। तो ऐसा आप ब्लैंक स्केच आ जाएगा। तो ये ब्लैंक स्केच को हमें अभी अपलोड करना होगा। तो ये अपलोड करने से पहले, लेकिन यहाँ पे जो TX RX वायर्स है, तो ये दोनों को यहाँ से हटाना होगा Arduino से, और उसके बाद ये अपलोड कर देना होगा। तो आप अपलोड कर दीजिए अभी, यहाँ पे डन अपलोडिंग आ गया, अपलोड हो गया। अपलोड होने के बाद ये दोनों वायर को फिर से यहाँ लगा देना होगा। तो अभी हमें ये ब्लूटूथ मॉड्यूल को एटी कमांड मोड में कॉन्फ़िगर करना होगा। तो उसके लिए आपको ये इसमें जो स्मॉल बटन है, ये बटन को प्रेस करके रखना है, प्रेस एंड होल्ड, ये प्रेस करके रखना है। उसके बाद आपको Arduino को पावर देना होगा USB केबल के जरिए। तो हम लोग पावर दे दिया। तो अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं ये जो स्टेटस LED है यहाँ पे ब्लूटूथ मॉड्यूल में, तो लाइट को स्विच ऑफ कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्टेटस LED है, ये 2 सेकेंड के बाद में ये देखिए फ्लैश हो रहा है। मतलब ये अगर ये एटी कमांड में नहीं है तो ये जल्दी फ्लैश करेगा, मतलब जल्दी ब्लिंक करेगा। लेकिन अगर ये एटी कमांड मोड में आ गया है तो ये स्लोली फ्लैश करेगा। तो मतलब हम लोग अभी एटी कमांड मोड में आ गया है। तो अभी आप फिर से यहाँ पे जाइए Arduino IDE में। तो उसके बाद ये सीरियल मोनिटर में जाना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको कैपिटल A कैपिटल T ऐसे लिख के सेंड करना है और प्रेस एंटर। ये फिर से लिखिए कैपिटल A कैपिटल T, उसके बाद एंटर प्रेस कीजिए। तो यहाँ से ओके रेस्पॉन्स आएगा। ओके मतलब अभी एटी कमांड मोड में अभी काम कर रहा है। उसके बाद लिखिए आप कैपिटल A कैपिटल T प्लस UART, उसके बाद आप क्वेश्चन मार्क दीजिए यहाँ पे। तो उसके बाद आप एंटर प्रेस कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 38400 आ रहा है, ये मतलब ब्लूटूथ मॉड्यूल का डिफ़ॉल्ट बोर्ड रेट है।
तो ये बोर्ड रेट, ये स्लैब मॉड्यूल का बोर्ड रेट ये हो गया, तो आपका मास्टर मॉड्यूल का भी बोर्ड रेट यही सेम होना होगा, मतलब 3400 ही होना होगा। और यहाँ पे और एक बात है, ये जो यहाँ पे बोर्ड रेट है 3800 में रखना होगा, और ये पोजिशन ये बोर्ड NL और CR में रखना होगा। तो उसके बाद अभी हम लोग टाइप करेंगे AT+ADDR, उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क। तो अभी एंटर प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ब्लूटूथ मॉड्यूल का एड्रेस दे रहा है यहाँ पे। तो ये एड्रेस हमें चाहिए, ये एड्रेस हमको जब हम मास्टर मॉड्यूल को सेट करेंगे उसी टाइम में ये एड्रेस को देना होगा। तो आप ये एड्रेस को कॉपी कर लीजिए और नोटपैड में रख लीजिए। और यहाँ पे एक और देखना होगा, AT+ROLE रोल देन क्वेश्चन मार्क, और उसके बाद आप ये एंटर प्रेस कीजिए। तो यहाँ पे दिखा रहा है रोल जीरो, मतलब ये ऑलरेडी स्लैब डिवाइस में है, मतलब अभी ये स्लैब काम करेगा, ये बाय डिफॉल्ट ये स्लैब ही रहता है। तो यहाँ पे हम लोगों का ये इम्पोर्टेंट ओनली यही है, ये एड्रेस हम लोगों को चाहिए। तो और ये बोर्ड डेट देखना है, 3800 होना चाहिए। अगर ये बोर्ड डेट अलग है, दूसरा है, तो ये आपको सेंस करना होगा। सेंस करने के लिए आप AT+UART उसके बाद इक्वल साइन दीजिए, और उसके बाद ये 3800,000 लिख के एंटर प्रेस कर दीजिएगा। तो ये बोर्ड डेट, अगर आपका बोर्ड डेट दूसरा था तो यह अपने आप 3800 हो जाएगा। तो हम लोगों का ये स्लैब मॉड्यूल का कॉन्फ़िगरेशन अभी हो गया है, तो इसके बाद मास्टर का कॉन्फ़िगरेशन हम लोग को करना होगा। अभी हम दूसरा ब्लूटूथ मॉड्यूल को एज ए मास्टर कॉन्फ़िगर करेंगे। तो कनेक्शन डायग्राम सेम ही होगा, आप लोग आर्डुइनो के साथ दूसरा ब्लूटूथ मॉड्यूल को ऐसे कनेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जो हम लोग ब्लैंक स्केच अपलोड किया था स्लैब मॉड्यूल के लिए, तो वही स्केच फिर से मास्टर डिवाइस के मास्टर मॉड्यूल के लिए भी अपलोड करना होगा। तो ये जो ब्लैंक स्केच हम लोग स्लैब डिवाइस के साथ अपलोड किया था, तो सेम कोड आप अभी मास्टर डिवाइस में भी अपलोड कर दीजिए। ये अपलोड मैंने कर दिया है। तो अपलोड करने के बाद मास्टर स्लैब डिवाइस को जैसे आप लोग सोता वाला बटन दबा के AT मोड में लेकर गया था, तो सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी आप सोता वाला बटन दबा के ये मास्टर मॉड्यूल को भी AT कमांड मोड में ले जाना होगा। तो इसके बाद आप लोग ये सीरियल मॉनिटर में जाइए। तो यहाँ पे अभी हम लोग कमांड डालना होगा ये मॉड्यूल को मास्टर मॉड्यूल के हिसाब से सेटअप करने के लिए। सो यहाँ पे भी हम लोग ये 3800 में रखना होगा, और ये बोथ NL एंड CR होगा। इसके बाद हम लोग कमांड भेजेंगे अभी पहले AT। सो यहाँ रेस्पॉन्स आ गया है, ओके। देन इसके बाद हम लोग यहाँ इसका बोर्ड डेट देखना होगा, क्योंकि हम लोग जो बोर्ड डेट था UART भेज के, जो हम लोग बोर्ड डेट मिला था स्लैब के लिए, तो वो बोर्ड डेट मास्टर के लिए भी सेम होना होगा। सो ये 3800 है जो स्लैब के लिए था, तो इसके लिए भी ये 3800 है। तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, अगर ये दूसरा होगा तो आप लोगों को वो सेंस करना होगा जो हम स्लैब मोड में दिखाया था, तो वो कमांड भेज के आप ये सेंस कर सकते हैं। तो इसके बाद हम लोगों को ये ब्लूटूथ मॉड्यूल को एज ए मास्टर रोल डिफाइन करना होगा। तो इसके लिए रोल 1 भेजना होगा, जो हम लोग स्लैब के लिए किया था, तो स्लैब का रोल 0 था, तो मास्टर का रोल 1 होगा। तो इसके बाद एंटर प्रेस कीजिए। तो ये देखिए ओके आ गया रिस्पॉन्स, मतलब ये अभी मास्टर के हिसाब से काम करेगा। तो AT+ROLE, question mark ये आप प्रेस एंटर कीजिए और देख लीजिए कि हो रहा है नहीं हो रहा है। ये आप देखिए रोल 1 हो गया, मतलब अभी ये मास्टर के हिसाब से काम करेगा। तो उसके बाद हम लोग एक कमांड भेजना है AT+CMODE=0, तो प्रेस एंटर। तो ये हो गया ओके आ गया रिस्पॉन्स, मतलब ये जो AT+CMOD भेजा था CMOD=0,
ये अगर हम लोग नहीं भेजते हैं तो ये ब्लूटूथ मॉड्यूल जो मास्टर ब्लूटूथ मॉड्यूल ये जो इसका सराउंडिंग में जो ब्लूटूथ मॉड्यूल रहेगा सबके साथ कनेक्टेड हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग एक स्पेसिफिक डिवाइस के साथ ही कनेक्ट करेंगे, मतलब अभी ओनली स्लैब जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो स्लैब के साथ ही ये कनेक्ट होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग एटी प्लस सी एम ओ डी जीरो यहाँ पे भेज दिया। तो अभी ये ओनली जो हम लोग एड्रेस प्रोवाइड करेंगे वो एड्रेस से वो एड्रेस में ही कनेक्ट होगा। तो वो एड्रेस अभी हम लोग को भेजना होगा, जो एड्रेस स्लैब का है वो एड्रेस भेजना होगा। तो यहाँ पे एटी प्लस बाइंड इक्वल, उसके बाद जो स्लैब का एड्रेस जो हम लोग नोटपैड में सेव करके रखा था तो वो एड्रेस यहाँ पे लिखना होगा। यहाँ पे 98D3,31, ऐसे था, मतलब वहाँ पे कमा नहीं था, वहाँ पे सेमी कॉलन था यहाँ पे, लेकिन वो सेमी कॉलन के जगह में यहाँ पे हम लोग कमा लिखना होगा। तो जो जो सेमी कॉलन था वो सेमी कॉलन आप लोग सेमी कॉलन के जगह में कमा लिख दीजिए और उसके बाद एंटर प्रेस कीजिए। तो रेस्पॉन्स ओके आ गया, मतलब ये अभी और स्लैब जो डिवाइस हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो स्लैब के साथ ही वो स्लैब का एड्रेस में ही कनेक्ट होगा। तो मतलब वो स्लैब के साथ ही कनेक्ट होगा। तो हम लोगों का अभी कॉन्फ़िगरेशन हो गया मास्टर का भी। तो अभी हम लोग आउटपुट देखेंगे। अभी हम लोगों ने मास्टर स्लैब कनेक्शंस को टेस्ट करने के लिए दो सर्किट बनाया, ये मास्टर साइड के लिए और ये स्लैब साइड के लिए। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन ये जो RX है RX TX में जाएगा और TX RX में जाएगा। ये सर्किट डायग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं मास्टर साइड में एक पुश बटन यूज़ किया है। जब हम ये पुश बटन को प्रेस करते हैं तो जो स्लैब साइड में जो LED रहता है ये LED टर्न ऑन होता है। सिमिलरली जब हम ये स्लैब साइड का पुश बटन प्रेस करते हैं तो ये जो मास्टर साइड में जो LED है ये LED ऑन होता है। तो आइए प्रैक्टिकली देखते हैं। यहाँ पे और एक बात कहना चाहता हूँ, मैं जो LED यूज़ कर रहा हूँ वो 10mm LED है, तो इसलिए मैं जो पॉजिटिव टर्मिनल और यहाँ पे ये आर्डिनो का 8 में जा रहा है, जो 8 में जा रहा है ये देखिए 8 से डायरेक्ट पॉजिटिव टर्मिनल डायरेक्ट कनेक्शन कर रहा हूँ, मतलब यहाँ 20 में कोई रजिस्टर नहीं है। अगर आप लोग 5mm LED यूज़ करेंगे तो यहाँ पे एक 100 ओम और 220 ओम का रजिस्टर बीच में लगाना होगा। इस साइड में भी एक 100 ओम का और 220 ओम का रजिस्टर आप लोगों को लगाना होगा LED को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो आइए अभी प्रैक्टिकली देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का सर्किट है जो लेफ्ट साइड में है, दिस साइड में है, ये मास्टर कनेक्शंस का है, और जो इस साइड में है राइट साइड में है ये स्लैब का है। तो सबसे पहले हम लोगों को ये मास्टर और स्लैब में मतलब दोनों साइड का सर्किट्स का कोड अलग अलग से अपलोड करना होगा। तो आइए सबसे पहले ये मास्टर साइड का कोड अपलोड कर देते हैं। कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये लैपटॉप में कनेक्ट कर लीजिए आर्डिनो बोर्ड और उसके बाद आप कोड को अपलोड कर दीजिए मास्टर साइड का। तो लेकिन ये कोड अपलोड करने के टाइम पे ये RX TX वायर्स को आर्डिनो से हटा लीजिए, नहीं तो ये एरर दिखाएगा। मैं ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ इसलिए मैं नहीं ये रिमूव नहीं कर रहा हूँ अभी। तो यहाँ पे ऑलरेडी कोड अपलोडेड है। तो उसके बाद आप ये स्लैब साइड का कोड अपलोड कर दीजिए। तो स्लैब साइड का आर्डिनो को अभी हम लोग कनेक्ट कर देंगे आप लैपटॉप के साथ। तो मैं ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ यहाँ पे इसलिए मैं ये TX RX को रिमूव नहीं कर रहा हूँ आप, लेकिन अपलोड करने के टाइम पे इसको आप रिमूव कर लीजिए, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। तो अभी आप देख सकते हैं ये जो ब्लूटूथ मॉड्यूल है मास्टर और स्लैब ब्लूटूथ मॉड्यूल, ये एवरी 2 सेकेंड्स के बाद में ये फ्लैश हो रहा है। मैं लाइट बंद कर देता हूँ, आप देख लीजिए यहाँ पे जो स्टेटस LED है 2 सेकेंड्स एवरी 2 सेकेंड्स के बाद में ये ब्लिंक कर रहा है, मतलब ये कनेक्टेड है अभी, नहीं तो ये फास्ट ब्लिंकिंग होगा। मतलब अभी 2 सेकेंड्स के बीच बीच में हो रहा है तो यहाँ पे अभी कनेक्टेड है। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं ये मास्टर साइड में हम लोग का ये पुश बटन है और स्लैब साइड में ये पुश बटन है, और स्लैब साइड में ये हम लोगों का LED है रेड LED और मास्टर साइड में ये हम लोगों का ग्रीन LED है। तो हम अगर जब हम ये मास्टर साइड का ये पुश बटन जब हम प्रेस करते हैं तो आप देखिए इस साइड का LED ऑन होता है। ये पुश प्रेस करके रखते हैं, देखिए यहाँ पे जो स्लैब साइड का है ये LED ऑन ऑन है।
हम जब छोड़ देते हैं तो ये ऑफ हो जाते हैं। सिमिलरली जब हम ये प्रेस कर देते हैं लेफ्ट साइड का पुश बटन तो मास्टर साइड का ये जो ग्रीन एलईडी ये ऑन हो जाते हैं। और यहाँ पे हम लोगों का कोड है, ये मास्टर साइड का कोड है और ये स्लेव साइड का कोड है। तो मास्टर साइड का कोड में सबसे पहले हम लोग ग्रीन एलईडी पिन को पिन नंबर 8 में कनेक्ट कर रहा हूँ, इसलिए हैज डिफाइंड ग्रीन एलईडी पिन 8। उसके बाद जो पुश बटन है मास्टर साइड का, तो मास्टर स्विच पिन नाम दे रहा हूँ और इसको हम लोग पिन नंबर 7 में कनेक्ट कर रहा हूँ। तो उसके बाद जो स्लैब साइड से डाटा आएगा, वो डाटा को हम लोग एक इंटीजर वेरिएबल डाटा फ्रॉम स्लैब में स्टोर करेंगे। उसके बाद हम लोग कंपेयर करेंगे क्या डाटा आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो वॉइस सेटअप में हम लोग सबसे पहले जो ग्रीन एलईडी है वो ग्रीन एलईडी का पिन मोड आउटपुट होगा, और सबसे पहले कोड में ये ग्रीन एलईडी को हम लोग ऑफ करके रखा हूँ, इसलिए डिजिटल लाइट ग्रीन एलईडी पिन लो। उसके बाद जो पुश बटन का पिन मोड होगा, पुश बटन का पिन मोड यहाँ पे इनपुट डिफाइन कर रहा हूँ। उसके बाद ये वैल्यू लो रहेगा वॉइड सेटअप में, मतलब पहले ये वैल्यू लो रहेगा और उसके बाद सीरियल डॉट बिगिन 3400 ये ब्लूटूथ मॉड्यूल का मास्टर साइड का ब्लूटूथ मॉड्यूल का डिफॉल्ट बॉड रेट है। तो उसके बाद हम लोग वॉइड लूप में सबसे पहले जो वहाँ पे जो डाटा आ रहा है वो डाटा को हम लोग सेव कर रहे हैं इफ सीरियल डॉट अवेलेबल इज ग्रेटर देन 0, मतलब वहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि स्लैब साइड से डाटा आ रहा है और नहीं आ रहा है। अगर डाटा आ रहा है तो वो डाटा को हम लोग रीड कर रहा है सीरियल डॉट रीड फंक्शन लगा के, और वो जो डाटा आ रहा है वो डाटा को हम लोग डाटा फ्रॉम स्लैब वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ। उसके बाद हम लोग कंपेयर कर रहा हूँ कि इफ डाटा फ्रॉम स्लैब इक्वल इक्वल 1, मतलब स्लैब साइड से अगर 1 आ रहा है तो हम लोग क्या कर दिया है यहाँ पे डिजिटल राइट ग्रीन एलईडी पिन हाई, मतलब हम लोग एलईडी को ऑन कर देते हैं। अगर वहाँ से स्लैब साइड से 0 आ रहा है तो हम लोग एलईडी को ऑफ कर देते हैं। तो उसके बाद ये पुश बटन के लिए कोड है, और हम लोग क्या कर रहे हैं पुश बटन का वैल्यू हम लोग रीड कर रहे हैं यहाँ पे डिजिटल रीड मास्टर स्विच पिन, और जो वैल्यू आ रहा है वो वैल्यू को हम लोग मास्टर स्विच वैल्यू में स्टोर कर रहा हूँ एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल। इफ मास्टर स्विच वैल्यू इक्वल इक्वल हाई, मतलब अगर हम लोग पुश बटन को प्रेस करके रखा हूँ तो वैल्यू हाई होगा, अगर हाई होगा तो हम लोग सीरियल डॉट राइट 1, मतलब हम लोग वैल्यू 1 स्लैब साइड को भेज देता हूँ। तो हम लोग मास्टर साइड से वैल्यू 1 भेज देता हूँ। तो अगर वैल्यू लो है, अगर पुश बटन हम लोग प्रेस नहीं कर रहा हूँ तो ये वैल्यू लो होगा, तो उस केस में हम लोग 0 राइट कर देते हैं, मतलब स्लैब साइड में 0 मिल जाते हैं। तो ये कोड स्लैब साइड के लिए भी सिमिलर ही होगा। तो ओनली ये जो वेरिएबल है डाटा फ्रॉम मास्टर यहाँ पे लिखा हुआ हूँ, यहाँ पे डाटा फ्रॉम स्लैब था, यहाँ पे डाटा फ्रॉम मास्टर कर दिया हूँ। तो सिमिलरली ये मास्टर स्विच पिन 7 है, यहाँ पे स्लैब स्विच पिन, मतलब ये वेरिएबल का नाम हम लोग ओनली सेंस कर दे रहा हूँ। तो ये कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। All types of electronic components, boards, modules, sensors आप www.dpvtechnology.com से बेस्ट प्राइस में खरीद सकते हैं।